जय हिंद। मैं सनी सिंह राजपूत चार्ली एकेडमी फिजिकल डिपार्टमेंट से। आर्मी मेडिकल टेस्ट सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कान यानी ईयर टेस्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी फिजिकल डेट से एक हफ्ते पहले ही आप अपने कानों की साफ सफाई और चेकअप किसी बढ़िया डॉक्टर से करवा लें। बढ़िया मतलब किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, ईएनटी यानी कि ईयर नोज थ्रोट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। कई बच्चे फिजिकल पास करते ही जल्दबाजी में किसी भी डॉक्टर के पास जाकर कान को साफ करवा लेते हैं, क्योंकि आर्मी में फिजिकल के अगले दिन ही मेडिकल टेस्ट होता है, जिस वजह से बच्चे जल्दबाजी में कान साफ करवाने लगते हैं, जिसके कारण किसी भी बच्चे के अगर कान में दाना फोड़ा फुंसी है तो वो फट जाता है। कभी कभी तो ये देखा गया है कि फटने के बाद उससे जो ब्लड निकलता है कान के पर्दे के ऊपर जम जाता है, जिससे आर्मी में मेडिकल पॉइंट मिलता है और आपको री मेडिकल के लिए दोबारा वो बुलाएंगे। हालांकि री मेडिकल क्लियर तो हो जाता है, लेकिन बच्चा 15 दिनों तक परेशान रहता है री मेडिकल के चक्कर में, जिसके कारण वो अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाता, अपने रिटर्न की तैयारी ढंग से नहीं कर पाता। आर्मी में फिजिकल और मेडिकल क्लियर होने के बाद रिटर्न के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कान की साफ सफाई फिजिकल से पहले ही करवा लें, जिससे फालतू के पॉइंट से आप बचेंगे, री मेडिकल से बचेंगे और अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया से कर पाएंगे। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक आर्मी मेडिकल टेस्ट के ईयर टेस्ट पे। कान के तीन भाग होते हैं। पहला एक्सटर्नल ईयर, जो कान का बाहरी हिस्सा होता है, यहीं से कान का छेद शुरू होता है और पर्दे तक जाता है। इस छेद को कर्णपाली यानी ईयर लोब कहते हैं। इसी ईयर लोब पे कान का मैल और बाहरी धूल मिट्टी इकट्ठा होती है। दूसरा भाग है कान के पर्दे और तीसरा भाग कान की हड्डियां होती हैं, जो कि तीन होती है। पहला मेलियस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेपस। आर्मी मेडिकल में कान के एक्सटर्नल पार्ट यानी बाहरी भाग को और इंटरनल पार्ट यानी भीतरी भाग को ही चेक करते हैं। तीसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था हड्डियों के बारे में, उसे चेक नहीं करते हैं। कान के बाहरी भाग में चेक किया जाता है कि आपका कान बाहर से कटा फटा तो नहीं है, कान के पीछे ऑपरेशन का निशान तो नहीं है। अगर इनमें से कोई पॉइंट निकलता है तो आपको माइनस पॉइंट मिलेगा और आपको री मेडिकल के लिए दोबारा बुलाएंगे। लेकिन इस पॉइंट की वजह से अगर किसी बच्चे को री मेडिकल में बुलाया जाता है तो वो फेल ही होते हैं। तो मेरा सजेशन है ऐसे बच्चों को कि वो आर्मी में जाने का ट्राई ना करके किसी और फील्ड में अपना कैरियर बनाए। मेरा इंटेंशन किसी बच्चे को डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन यह रियल फैक्ट है कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन आर्मी में नहीं हो पाता है। फिर चेक करेंगे कान के दूसरे भाग यानी सेकेंड पार्ट को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें टॉर्च लगी लेंस मशीन की मदद से आपके कान के अंदरूनी भाग को देखेंगे कि आपके कान में किसी प्रकार के दाना या फोड़ा फुंसी तो नहीं है, कान के अंदर स्किन पे किसी भी टाइप से दाग धब्बे तो नहीं है, आपके कान से किसी भी टाइप से मवाद तो नहीं निकलता, आपके कान के पर्दा ठीक है या नहीं है। अगर इनमें से कोई सा भी पॉइंट अगर निकलता है तो आपको री मेडिकल के लिए बुलाएंगे। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो भी री मेडिकल के लिए बुलाएंगे। कान के पर्दे में छेद है तो यह सर्जरी द्वारा ठीक करवाया जा सकता है, लेकिन एक विशेष बात का ध्यान दें कि सर्जरी ईयर स्पेशलिस्ट से ही करवाए और उसे पहले ही बता दें कि मैं आर्मी का तैयारी कर रहा हूं और इस तरीके से सर्जरी किया जाए कि कान के पीछे जो निशान बनता है टाके का, वो टाका जल्दी खत्म हो जाए और निशान दिखाई ना दे। अगर निशान दिखाई देगा तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा, आप मेडिकल पास नहीं कर पाओगे। तो ईयर टेस्ट में बस इतना ही। अगर इसमें आपको कोई डाउट है या कोई पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए और साथ में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।